ये जो रक्षाबंधन है ये मेरे लिए और मेरे बच्चों दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट रक्षाबंधन होने वाला है साथ में। तो मैंने सोचा प्लेन थाली ना रख के मैं कुछ डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो डेकोरेटिव थाली मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तो जिनसे मैं थाली को डेकोरेट करूँगी। जैसे मैं कुछ ये पॉम्पम लेके आई हूँ वॉलमार्ट से, और ये कुछ बीड्स की लेस है, और फेविकॉल ऑफकोर्स चिपकाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए एक ये डिस्पोजेबल काइंड ऑफ प्लेट ली है। हेलो माय लवली पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज लिटिल कॉर्नर। तो जो ये प्लेट है इस पे मेरे पास एक गोल्डन कलर का थोड़ा टेक्सचर्ड काइंड ऑफ पेपर रखा हुआ था मेरे पास ऑलरेडी, तो जिसको मैंने इसकी शेप में कट कर रही हूँ। देखिए आप, जैसे कि मैंने इसको गोल गोल काट लिया है, तो अब देखिए ये मेरा पेपर जो है वो कट के एकदम गोल तैयार है। अब मैं इसको इस प्लेट के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। देखिए हमारी जो प्लेट है वो अच्छे से, इसका जो बेस है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने इसमें पॉम्पम सारे साइड से लगा लिए हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर पॉम्पम लगाने के बाद जो मैंने जो लेस लेके आई थी मैं वॉलमार्ट से, बीट प्लेट थी ये, ऑलरेडी अडहेसिव थी, इनको जस्ट मैंने काट के प्लेट के ऊपर साइड से चिपका लिया है। आप चाहें तो कोई भी कलर भी ले सकते हैं, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग, कोई भी डेकोरेटिव सामान आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बस आपको एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर एक पेपर को कोई भी अपनी पसंद का कलर, कोई भी टेक्सचर आप ले सकते हैं और उसको पेस्ट करके, और बहुत ही ईजिली ये बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सुंदर भी लगती है। तो हमारी ये प्लेट जो है वो रेडी है। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वाइट बीट लगाए हुए हैं एंड इट्स रेडी, सिंपल और इजी।